हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनप्रीत। और कैसे हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो ये वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज आपने ट्यून इन कर लिया है टू ब्राउन ब्यूटी से मोर। क्रिसमस ट्री बीन वंडरिंग जस्ट व्हाट यू मीन टू मी। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ये देख के अच्छे होने वाले हैं कि मैं बाहर आ गई हूँ पहली बार सदियों में। और सो यस, हम लोग आए थे बाहर। ओके दोस्तों, हम लोग बाहर आए थे शॉपिंग करने के लिए, पर मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला बंदा हूँ, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है, इतनी बढ़िया लाइन्स है कि लाइन्स मैं खड़े होकर मुश्किल से आपकी बारी आए, एंड देन अंदर जाके आपको कुछ पसंद ही नहीं आए। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कहीं और जाएंगे अब। सो यस, ये जो मेरा नया कैमरा है इसमें वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो पारा बहुत था, एक दुनिया बहुत था। आई शो यू दुनिया। तो हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि पति को ये बहुत पसंद है। मुझे तो ये मॉल में, ये वाले आउटलेट में गर्मियों में भी आना अच्छा नहीं लगता, ठंड में कैसे आएंगे। और आज इतना ठंडा दिन है और अब क्राउड देखिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्राउड इसलिए क्योंकि एक तो सेल्स है, एंड दूसरी चीज़ है कि कल लॉकडाउन हो जाएगा, एंड यस इसीलिए सारी दुनिया आई है। और मैंने हिम्मत के लिए भी कोई तोहफा नहीं लिया अभी तक क्रिसमस के लिए। अरे अंडे यार प्यारे, दे दो के दम का लिया ने तो। This is amazing. Ki vichara tode janta hai दो दो घंटे ला के अंदर जाते पे खाली हाथ आते पे बाहर। ओके ओके, जो आप कुछ लेना ही नहीं है तो आप अंदर क्यों जाना है ना? या फॉर दैट रीजन आई एम हियर। चलो बार बार एक मिनट ओपन इट।
ऑल राइट, सो हमने हमारे लिए चॉकलेट्स ली हैं थोड़ी सी, और नेबर्स के लिए हैं, एंड नेबर्स के लिए ली है उनको देने के लिए क्रिसमस के लिए मिठाई. एंड चॉकलेट की दुकान में ऑलमोस्ट सारी चॉकलेट्स फिनिश हो चुकी थी. ओके दोस्तों, तो हम लोग लेने वाले हैं हमारे लिए KFC, और मेरे प्रति की फेवरेट सिटी है कंटकी, कंटकी लुजियाना. ओके दोस्तों, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमारा मील खाएंगे. मील वैसे हम बहुत कम ही क्वांटिटी में लेके आए हैं और सारी फैमिली शेयर करेगी. और जो मैं हमने जाने से पहले दाल वाली रोटी खाई थी वो भी अभी बाकी पड़ी है. लुक एट माय न्यू स्वेटर दोस्तों, दिस इज माय न्यू स्वेटर. ओके सो नन्ना सा कोलस्लो सैलड है, बॉक्स है जिसमें है फ्राइज एंड पॉपकॉर्न जो कि गिल्ले हो गए हैं. कुकी है मिमी एंड मम्मा के शेयर करने के लिए, एंड बर्गर है हमारे प्यारे डैडी के लिए. ओहो ओटे हैनी बो ये आगे चिया चिया नो टेंडर. I'm gonna take a bite of this burger because I'm the boss and I'm a taste tester. किसी का कमेंट पड़ा कि आप खाते हुए वीडियो बनाया करें क्योंकि हम देखना चाहते हैं, बातें आपकी सुनना चाहते हैं. पर यूजली जब हम खाते हैं हम बातें नहीं करते. आपने ये पिछले पोर्शन में देखा होगा कि हम ऐसे कर रहे हैं, घूम गया हूँ तो क्या कहते हैं, रोटी खाने गलियाँ नहीं करनी चाहिए है ना, कि ये सही कहते कि हम बस इशारे करते हैं, वो दे ये ला वो दे. सो दोस्तों, मैं खाने वाली हूँ सुबह की बड़ी रोटी क्योंकि पता नहीं सुबह एकदम से मेरा पेट भर गया था, मैंने फिनिश नहीं की अचार के साथ. एलियन बन गए. हम देखने वाले हैं क्रिसमस मूवी जो कि मैं बहुत समय से देखना चाहती थी. वन ऑफ द बेस्ट क्रिसमस मूवी है एल्फ, अभी तक मैंने देखी नहीं है. सो हम तीनों मूवी देखने वाले हैं. Oh,
sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Guys, look at this. I make something for Santa. Read them. Hi, Santa. I love you. Surprise me. Thank. That's the letter. Mama. दोस्तों, तो हिम्मत ने प्यारा सा लेटर लिख दिया है सांता के लिए कि वो उसे सरप्राइज़ करे। इस बार उसकी कोई भी डिमांड नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो एल्फ मूवी मैंने देख ली है पूरी। मैंने अकेले पूरी फिनिश की, हस्बैंड ने भी नहीं देखी, वो सो गए थे। हिम्मत भी अपना बिजी हो गया था, उसे भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, पर मुझे अच्छी लगी। पर जितना हम उसके बारे में सुन देंगे बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, पर मैं स्टिल होम अलोन को ज़्यादा प्रेफर करूँगी देखने के लिए। सो यस, मूवी हमने फिनिश कर ली है। अब हिम्मत ने लेटर लिखा है सांता के लिए। इस बार हिम्मत ने लिखा है कि वो उसे सरप्राइज़ करे, जो भी वो उसे देना चाहते हैं। बिकॉज हिम्मत चाहता है कि, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ ज़्यादा पैसे स्पेंड करके मेरे लिए तोहफा लाना पड़े। सो वो जो भी मुझे देगा, आई एम हैप्पी विद दैट, एंड वो एनीथिंग ही कैन सरप्राइज़ मी। सो हिम्मत ने अभी ये काम किया है। तो आज सारा दिन बेसिकली हमने व्लॉग नहीं किया। आज हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे और उसके बाद हमने काफ़ी लेट सुबह की चाय पी। मुझे लगता है कि सुबह की चाय पीते पीते 11 बज गए थे। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में हमने खाई थी दाल वाली रोटी, उसमें मैंने ग्रीन्स ऐड कर दी थी और आलतू फालतू चीज़ें, और अच्छी थी। खाते समय मुझे ऐसे लगा कि मुझे बिल्कुल पेट बहुत भर गया है, पर जैसे ही हमने बाहर जाने का प्लान बनाया, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे इस व्लॉग को एडिट करना शुरू करना है जो आज अपलोड करूँगी मैं। और दूसरी चीज़ है, मुझे थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग करनी है। ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए आए थे हम घर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 26 को लॉकडाउन होने वाला है, लाइक बॉक्सिंग डे के बाद। और बॉक्सिंग डे पे हम यूजली बाहर शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे अननेसेसरी लगता है हमें पीठ पटके में घूमना। आजकल तो वैसे बहुत स्केरी है। और आपने अर्लियर वाली फुटेज में देखा कि हम लोग वो ओपन मॉल में गए थे, हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, तो कैसे क्राउड थी, कितनी लाइन्स थी इतनी ठंड में। मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही अच्छा लगता है। अगर आपको पता है कि आपके साइज़ कैसे हैं, स्टाइल कैसा है, तो ऑनलाइन इज़ बेस्ट यार। घर में बैठ के आराम से पेज पे पेज पलटाते रहें, देखते रहें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो मर्जी खरीद दो। नहीं, स्टोर टू स्टोर जाना मज़ेदार तो लगता है, पर अगर बाहर सेफ़ हो तभी जाएं। हमें बाहर जाके बीमार हो के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है घर पे ही रहें। और यही करेंगे हम। कल क्रिसमस है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और हिम्मत बहुत एक्साइटेड है कि कल उसे प्रेजेंट मिलेगा या नहीं। हमें पूरा पता नहीं है कि उसे प्रेजेंट मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि शायद कोविड की वजह से सांता आए नहीं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड सुबह उठने के लिए और देखने के लिए कि हिम्मत को कोई प्रेजेंट मिलता है या नहीं। सो दैट्स दैट। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूँगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे ज़रूर से फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आप मेरे साथ कोई भी बात करना चाहते हैं, या कुछ भी रिक्वेस्ट है, या कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं मेरी वीडियोस में इंक्लूड करूँ, उसको आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ताकि प्राइवेट अगर करना चाहे तो। अदरवाइज़ कमेंट बार में छोड़ें कुछ भी। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा की रिप्लाई भी करूँ, और मैं करती भी हूँ। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगेगी तो। लाइक करा करें यार मेरी वीडियोज़ को। इतनी प्यारी हूँ मैं, कितनी प्यारी। Bye.